ਕਿਆ ਰੋਵੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਰੋਣਾ ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣ ਦਿਆ ਰੋਣਾ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਟਾਕੀ ਮੰਗਣਾ ਅੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। दोस्तों, ये एक विवाह खातून है, इतनी गरीब है कि अपने बच्चों को लोगों के घरों से छान बुरा इकट्ठा करके खिलाती है। इनकी मदद के लिए हमने वीडियो बनाई थी, जिसके नतीजे में लंदन से मोहम्मद सलीम साहब ने माली मदद की है। आप भी इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर डालें और पूरी वीडियो देखें। अगर आप मदद कर सकते हैं तो इसमें ज़रूर शामिल हो। शुक्रिया। वीडियो से पहले जब हमने इनकी वीडियो बनाई थी मदद करवाने के लिए, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज़रूर देखें। दोनों वीडियो लोगों के साथ शेयर करें, क्या पता इस नेक काम में कोई ना कोई आपके वसीले से मददगार बन जाए। बहुत शुक्रिया। MJK के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शहीन बीबी, की हालात ने ताड़े, हुण ताड़े कार दे की हालात ने? ते बच्चे छोटे छोटे नज़र आ रहे ने, इन्हां दी हालत देख के भी बड़ा दुख हो रहा है। माँ जी पहले भी आए सन ताड़े से, दुआ की सी उन्होंने, हुण किसी ने कोई मदद उस तो बाद ताड़ी कीती है? नहीं कीती, किसी भी नहीं मदद की, अपनी मेहनत करके बस जी खान लाए तो हम रोजे रखी दे, कोई शह नहीं ना घर ना ना पास दुकान तो ही मिलती। उधार असी कितों दे दीए, उधार पिछला ला तो फिर अगो दे देंगे। किस तरह तुम इन्हों खान पियान कर रहे हो या की हालात ने? बच्चे तो लगता पढ़ते भी नहीं पे, हालात तो बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं। हाँ जी, मदरसे पाए ने, स्कूल हटाता अस मदरसे पा ले, मदरसे बस कुरान पाक पढ़ के आते ने, रोजे रख लेने जिमें पानी ना रखे जान जा, राशन मिल जाए। राशन तो मिलन नहीं ना डिया, तुम खुद पता कार्डा नहीं मिलना, मेरे कार्ड दोवें नहीं लगे, ना मेरे मिंगे का तो ना मेरा। तो यह जरा रोटियां कट्ठिया करके लिया, रोटियां जिस तरह कट्ठे करते छोटे छोटे बच्चे लोगों के घर है, हूँ भी उस तरह ही खा रहे हैं रोटियां? हाँ जी, उस तरह ही खान रहे हैं, जिमें अगे खाते सभी किसी वालों जाके लै आंदियाँ तो खा लिया, ना लिया तो चुप करके बह रहे। हाँ जी, कोई भैन भरा कोई रिश्तेदार या कोई कोई मदद नहीं करता ताड़ी? शुरू तो नहीं कर रहे? नहीं, कोई भी नहीं मदद करता, बस अपनी सिर पर बस भुगतान डी कोई मदद करे ना करे, अल्लाह दे लोग ते गए ना, अल्लाह वाले ते गए ना। माँ जी अल्लाह वाले देखो ना ताड़े कोल ने, तुसी रोवो ते ना ना, माँ जी दुआ भी कर रहे ने, ओनली भी खान ली भी। अल्लाह ने सारी चीज़ों का इंतजाम करना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत ही अच्छा करेगा। अल्लाह दे नेक लोग मौजूद ने जेहड़े लोगों की मदद करने वास्ते, जिन्हां नूं अल्लाह ने तौफीक दित्ती है वो जरूर मदद करते हैं। बस रोना पर कमां तो तुहानूं पता हुंदा अगो देण दिया रोना वाला कपड़ा टाकी मंगणा। ना रोवो तुसी, अज तुहानूं थोड़ी जिही खुशी इंशाला दे लगे हैं, वह भी किसी के वसीले दे नाल, किसी नेक इंसान ने, मोहम्मद सलीम साहब मीरपुर खास कश्मीर तो ने, जिहड़े लंदन विच हुंदे ने, उन्होंने खसूसी तौर पर ताडे से थोड़े जे समान खुशी का भेजे है, जो रिजक भेजे है वो ताड़े वाले अमानत माँ जी कर लगे ने, इंशाल्लाह कुछ सिलसिला ताड़ा चल जाएगा। बाकी कर्जा तुसी दस रहे थी, कर्जा किन्ना ताड़े ते उते? 2 लाख है कर्जा, ज्यों फौत है फिर चुक चुक के लंदे रहे, कमाई करी जानी कर दी रही, बच्चे तो वेखे ही छोटे छोटे। इंशाल्लाह वो भी कोई अल्लाह ताला सिलसिला बना देगा। कोई किसी नूं तुसी अपील जरा करना चाहते हो, दसो अपने कर्जे के बारे, लोगों को दसो कि मेरी कोई मदद करन। इधर कोई भी नहीं मदद करता, मैं सारे को जा वेख लिया। देख लो माँ जी ने एक जगह से ताड़ी, देखो ना माँ जी ने कोशिश की है, अल्लाह ने ताड़ा सिलसिला बनाता है, अज राशन ताड़े कोल चल के आ गए, असी पहुँचान अमानत पहुँचान आ गए ताड़े कोल। बड़ी मेहरबानी जी, खाण के बच्चे तो सीसा ही देंगे ना तुम। जिन्होंने अमानत भेजी उन्होंने से दुआ कर दौ, उन्होंने पूरी फैमिली से दुआ कर दौ, मोहम्मद सलीम साहब मीरपुर खास आजाद कश्मीर तो जे हम लंदन ही होंगे ने, उन्होंने दुआ कर दो, उन्होंने किमें शुक्रिया अदा करना चाहोगे? अल्लाह ने चाहे तो करा दुआ भी अल्लाह सोना हर उन्होंने तंदुरुस्ती दे, उन्होंने बच्चों की भी तंदुरुस्ती दे, साढ़े हक इन्ना किया तो असं इन्हें इन्ना भी होर दे, सानू होर खिला दे। आहो, उन्होंने बच्चों से बीवी से पूरे घर से कभी उन्होंने परेशान ना किसी काम की आवे,
हर दी तंदुरुस्ती दे उन्होंने भी तंदुरुस्ती दे जिन्होंने साढ़े लिए राशन कराया उन्होंने तंदुरुस्ती दे वाल वाल जिन्हें वाल सिर दे उन्नी उन्होंने तंदुरुस्ती दे रब इन्ना को दे किसी पास कमी ना आए महसूस ना हो सू दे छे अल्लाह ताला ने सिलसिला बनाया होंगे किसी के दिल ही चला ना रैम पा दिंदा है किसी के दिल ही चला मदद की तौफीक पा दिंदा है पैसे सब को लौंदे ने हर कोई उमरा नहीं कर सकता पैसे सब को लौंदे ने हर कोई किसी ने खुआ नहीं सकता हज नहीं कर सकता ए जिंदे नसीब विच जो सिलसिला है वह अल्लाह ताला पूरा कर दिंदा ते असी देख लो ताड़ी इमानत लैके ताड़े कोल आ गए इंशाल्लाह ताड़े वाले हुण करने खैर। अच्छा शहीन बीबी है अल्लाह दे नेक बंदे ने ताड़े असे जिहड़ा समान भेजिया वह घ्यो चीनी आटा चावल नमक लाल मिर्च हल्दी गरम मसाला काले चने मसर सफेद चने मूंगी की दाल मसरां की दाल बेसन चने की दाल साबन बर्तन धोने वाला सरफ जामे श्री माजसा का पैकेट खजूर सेवियां शक्कर साबन नहाने वाला रस का वड्डा पैकेट तो बच्चों से टॉफियां ए माशाल्लाह सारा समान उन्होंने भेजे मोहम्मद सलीम साहब ने तो की कहना चाहोगे तुहानू देख के खुशी हुई है। अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती दे जिन्ना कलाया सानू चले किन्ने के दिन जाएगा उन्हें दिन सही दुआवां दवांगे नाल नाल खावांगे नाल दुआवां दवांगे खुशी हुई है तुहानू सारा राशन दे के ਸੀ ਰੋਵੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਈ ਲਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਲਥੀ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਚੜਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਅਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਮਾਦਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਆਏ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਨੂੰ ਘਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਘਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਰਾਸਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੀਅਤ ਨੀਅਤ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਰਾਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਸਭਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੋ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕੁਛ ਏਕ ਮਾਹ ਚਲੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਕਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਕਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਕੋ ਹਮਨੇ ਮਨਾ ਕੀਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬਹਿਨੇ ਸਭ ਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜਿ ਜੋ ਭਾਈ ਔਰ ਵੀ ਇਨਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਕੋ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੰਡਨ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਆਜ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੇ ਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਾ ਉਨਕੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮ ਡਾਲਾ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਅਮਾਨਤ ਆਪ ਦੇਨੇ ਆਏ ਹੈ ਆਜ ਇਨ ਖਾਤੂਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸਭ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਮੀ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ
बहुत ही खुशी उन्होंने हो रही है, लेकिन खुशी के आंसू भी कड़ रहे हैं। जिन्होंने देन आए ना वो रो रही है बहुत ज़्यादा, खुशी के आंसू ने। अच्छा जी, ये नेक काम करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मामू पीर डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब जो हमारे मामू हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं मामू जी जानना चाहूँगा कि ये नेक काम जिन्होंने किया मोहम्मद सलीम साहब, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे उनके हक में, कुछ बात बताना चाहेंगे? उनका ये नेकी करने का जो अमल है सबको करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये चैनल बनाया गया है खूसी तौर पर, हमारी बहना ने जो चैनल बनाया है इसके ज़रिए जो है गरीबों की मदद हो रही है, और जो भी अमानत भेजते हैं बहना जी जो हैं ये अमानत जो है लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, और काफ़ी लोगों के दुख जो हैं वो दूर हो रहे हैं। और मैं ज़्यादातर यही कह सकता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार रहम फजल फरमाना ये कश्मीर वालों पर भी जो लंदन में रह रहे हैं, अल्लाह पाक उनके और रिज़्क में इजाफ़ा फरमाना, इज्जत में इजाफ़ा फरमाना, सलामती फरमाना, खैर व बरकत फरमाना, और मोहम्मद सलीम साहब को अल्लाह पाक सेहत याबी अता फरमाए रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाज में रखे, जिन्होंने ये वीडियो देख कर और बहना जी के साथ तावन किया, और जो कुछ भी उन्होंने भेजा है आज उनकी अमानत जो है ये एक गरीब घराने की एक बच्ची है उनको देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो मैं फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार नेक लोगों जो नेक लोग हैं उनकी उन पर आप और ज़्यादा खुश हों, उनकी और मदद फरमाएँ और अपना रहम फजल फरमाएं, और वसे कश्मीर वसे पाकिस्तान। दुआंका ने भेजा सब कुछ ठीक किया उनका, अन्ना पाक उनको तंदुरुस्ती दे, बड़ी मेहरबानी। जिन्हें सदा भेजा अंकल नु बहुत शुक्रिया दाखल। इनकी मदद करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पूरी दुनिया से आप इनकी मदद कर सकते हैं, और इनके पास आपकी अमानत इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम पहुंचाएंगे, और लोगों को बताएं भी आप आगे शेयर करें वीडियो, ताकि कोई ना कोई आपके वसीले से शायद मदद कर दे। बहुत शुक्रिया, और माँ जी की तरफ से बहुत सारी दुआएं। चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शुक्रिया।